क्या आपका किसी काम में मन नहीं लगता है? क्या आपके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं? क्या आपका मूड बार बार बदलता रहता है? क्या आपका आत्मविश्वास गिर रहा है? क्या आपको रात में नींद नहीं आती है? क्या आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं? तो हो जाइए अलर्ट, कहीं आप मूड डिसऑर्डर के शिकार तो नहीं। सबसे पहले आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि मूड डिसऑर्डर होता क्या है, क्या ये एक बीमारी है या फिर एक डेली रूटीन की समस्या है, आप में और हम में क्यों होता है मूड डिसऑर्डर? डॉक्टर साहब डिटेल में आप हमें बताइए क्या होता है मूड डिसऑर्डर, इज दिस अ डिसीज और या फिर ये एक आम चीज है? देखिए, अगर ये कभी कभी होता है और किसी कारण के वजह से आपका मूड डाउन होता है, आपको एक डिप्रेशन की फीलिंग आती है, तो उसको बीमारी नहीं कहते। लेकिन कुछ लोगों में निरंतर एवरी डे एक मूड डाउन होता है बिना किसी कारण के, कोई आपको ऐसा नहीं कि आपको दिन में कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, लेकिन कभी कभी आपको एकदम से मूड आपका डाउन हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, डिप्रेशन आ जाएगा, आपको लगेगा कि जैसे जिंदगी बेकार है, कुछ नहीं है, कुछ आपका जब मूड इस तरह से डाउन हो जाए और ऐसा भी लगातार साल तक, या कम से कम ऐसा कहते हैं हमारे मेडिसिन में, मेडिसिन साइंस में, कि लगातार 2 साल तक अगर आपका ऐसा हो तब उसको मूड डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है। लेकिन आम तौर पर किसी कारण से आपका कुछ जो है काम खराब हो गया है, किसी से झगड़ा हो गया है, या आपको कुछ जो है कहीं जाना था वो काम आपका ठीक से नहीं बना है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, उसकी वजह से भी हमारा मूड थोड़ा खराब होता है, डाउन होता है, उसको बीमारी नहीं कहा जाता। उससे हर रोग, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी समय उससे ग्रसित जरूर होता है। हर समय हमारे जीवन में एक जैसा तो नहीं रहता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं और हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे मूड उसका कभी कभी डाउन होता है, तो उसको बीमारी नहीं कहते। लेकिन अगर ये मूड आपका परमानेंटली रेगुलर बेसिस पर एवरी डे आपका किसी भी समय पर वो डाउन हो जाए बिना किसी कारण के, तो वहां पर फिर जो है आपको इसकी चिकित्सा अवश्य करानी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका प्रॉपर इलाज उसका करना चाहिए। आपके साथ और हमारे साथ ये होता है अक्सर कि मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ खराब लगता है, कभी मन खराब हो जाता है, लेकिन आप और हम ये कैसे पहचाने कि आपको मूड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है? आइए जानते हैं इसके लक्षण। डॉक्टर साहब कैसे जाने क्या लक्षण होते हैं इसके? इसमें देखिए बड़े आम लक्षण ये होता है कि आदमी बड़ा निराशावादी हो जाता है, होपलेस और हेल्पलेसनेस, बिल्कुल उसको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं यूजलेस हूँ, मैं बेकार हूँ, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। इसके अतिरिक्त रात को नींद नहीं आती ठीक से, बेचैनी रहती है, और दिन में कई बार अक्सर नींद आती रहती है, कई बार बैठे बैठे नींद आ जाएगी, शरीर में थकावट बहुत हो जाती है, कमजोरी बहुत हो जाती है, फटीग जिसको बोलते हैं वो महसूस होती है, भूख जो है नहीं लगती है, या कभी कभी बहुत बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है या बिल्कुल भूख नहीं लगती है। इस प्रकार के अलावा जो है कंसंट्रेशन पावर आपकी जो कम हो जाती है, लोगों से कम्युनिकेशन करने में आप बातचीत कर रहे हैं तो कहीं जैसे खोए खोए से हैं, आप बात कर रहे हैं लेकिन आपका मन जो है वो उसी विषय में लगा हुआ है, तो ऐसा लगता है आपको कि आप वहाँ प्रेजेंट नहीं है। और ज़्यादा जब पुराना प्रॉब्लम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके माइंड में आ जाती है और आपको ये लगने लगता है कि जीवन बिल्कुल बेकार है। तो ऐसी अवस्था अगर है, ऐसे सिचुएशन है और ऐसे सिम्टम्स अगर आपके हैं, तो आपको डेफिनेटली फिर इसको कंसिडर करना चाहिए और निरंतर लगातार, जैसा मैंने शुरू में कहा, लगातार 2 साल तक अगर ऐसा मूड आपका बना रहता है तो फिर उसको हमें एक डिजीज के नाम से जानना चाहिए और उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। ग्वालियर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, भुवन कुमार, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। जी नमस्कार डॉक्टर। जी नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, क्या है कि 1-2 साल से माइग्रेन की समस्या से पीड़ित है। जी। हेडेक होता है, एक तरफ सिर दर्द होता है पूरा। अच्छा, तो उसमें उल्टी तो नहीं आती आपको? जी वोमिटिंग वगैरह कभी कभार हो जाती है। कभी कभार होती है, अच्छा। साथ में आपको कोई एसिडिटी, जलन पेट में, खट्टी डकारें वगैरह कुछ होता है? हाँ, एसिडिटी बन जाता है कभी कभार। अच्छा, देखिए क्योंकि हमारे यहाँ जो माइग्रेन का इलाज होता है आयुर्वेद में, वो रूट कॉज को पकड़ के करते हैं। रूट कॉज में हमने यही देखा है कि मुख्य रूप से जो है एसिड बनना, तेजाब बनना, वो तेजाब जब बहुत पुराना हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, तो वो आपके नसों को टाइट करता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर डकार भी आएगी, एसिडिटी होगी, कभी वोमिटिंग होगी, उसमें भी आपको पित्त निकलेगा, खट्टा पानी निकलेगा, पीला पीला सा पानी निकलेगा। तो सबसे पहले तो एसिड वाली चीजें बंद करिए खाने पीने में।
चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, ऐसी चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरा नंबर दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इसका उपचार आयुर्वेद में कराना चाहिए। आयुर्वेदिक उपचार बहुत बढ़िया है माइग्रेन के लिए। पुराने से पुराने रोगी भी हमारे यहाँ करके ठीक होते हैं। समय जरूर लगेगा, 6-8 महीने 10 महीने 1 साल भी दवाई आपकी चल सकती है, लेकिन आपका रोग बिल्कुल जड़ से चला जाएगा। अभी फिलहाल के लिए एक काम आपको शुरू करना है आज से ही, थोड़ा सा देसी घी ले लीजिए, अगर गाय का घी मिले तो और भी अच्छा है। उसमें 2-3 तिनके केसर के मिला करके थोड़ा सा उसको रगड़िए, और रगड़ने के पश्चात केवल घी नाक में डालना है। केसर को आप अलग से प्रयोग कर सकते हैं, दूध में डाल के पी सकते हैं। ये लगातार आपको रात को कम से कम 2-3 महीने तक निरंतर इसका प्रयोग करना है। इससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा, नसों में तरावट आएगी, वात की शांति होगी, जो नसें आपकी टाइट हो जाती हैं उसमें फर्क पड़ेगा। लेकिन मूल कारण को ठीक करने के लिए औषधि अवश्य लेनी है और परहेज बहुत जरूरी है। अक्सर हमने देखा है हमारे यहाँ पर जो लोग दवाई लेने आते हैं तो थोड़ा सा ठीक हुए 15-20 दिन, फिर वही परहेज तोड़ के वापस। ऐसा नहीं करना है। जब तक आपकी औषधि चालू है, जब तक आपका रोग पूर्ण रूप से नहीं चला जाता है, तब तक आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि रोग एक बार चला जाएगा तो फिर आप जो मर्जी खाएं। तो ये मैंने बहुत देखा है और ये मैं बताना चाहता हूँ कि अक्सर, क्योंकि जब लोग आप लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वहां पर डाइट का इतना महत्व नहीं होता है। वहां पर केवल लक्षण और लक्षणिक चिकित्सा उसमें की जाती है लक्षण के अनुसार, तो वो अपनी जगह सही है, उनका जैसा सिस्टम है उसके अनुसार, हम उनको कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहते। लेकिन हम आयुर्वेद में हम रूट कॉज की चिकित्सा करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या कारण है। जैसे अभी आपने बात की सिर दर्द की और हम बात कर रहे हैं एसिडिटी की, तो कोई तुक बनती नहीं है अगर इसमें देखा जाए कि हम तो, आप तो सिर दर्द की बात पूछ रहे हो, हम आपको कह रहे हैं कि चाय मत पीजिए, आप खटाई मत खाइए, मिर्ची मत खाइए, क्योंकि जड़ वहां से शुरू होती है। अगर हम आपको केवल सिर दर्द की गोली दे दें जिससे आपका सिर दर्द कुछ समय के लिए ठीक हो जाए, तो फिर दोबारा से एसिड बनेगा, तो फिर आएगा और वही आपके साथ हो रहा है कि शायद आप सिर दर्द की दवाई ले रहे होंगे लेकिन एसिडिटी और जो पित्त है आपका वो अभी एज इट इज बन रहा है शरीर में, तो इसके चलते आपका रोग कभी ठीक नहीं होगा, केवल और खराब होता जाएगा और नई बीमारियां भी आपको शरीर में बन जाएंगी। तो इसलिए परहेज करना बहुत जरूरी है। परहेज से 25-30% आपको लाभ मिल जाता है। लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गए हैं, मनोज, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल करें। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी मैं मनोज बोल रहा हूँ लखनऊ से, मेरी उम्र 18 साल है। जी जी। मेरे सीने में और पेट के बीच में एक छोटी सी गांठ है गुच्छे टाइप पे। अच्छा। और वो काफी मेरे को तकलीफ करती है, जैसे कभी कभी सांस लेने में दिक्कत आती है, ऐसे जैसे मैं उसे छूता हूँ तो वो इधर उधर फिसलती है। नहीं तो गांठ अंदर है वो या बाहर ऊपर की तरफ? जी अंदर की तरफ है वो। अच्छा, आपने कोई चेकअप वगैरह किया उसका? जी मैं दवाई वगैरह ली थी और उसके बाद से डॉक्टर से, जैसे इंग्लिश दवाई वगैरह दिखाई थी मैंने, उसके लिए बात की थी डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा। अच्छा, ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने? हाँ जी। अगर जो मैं हाँ जी हाँ बोलिए मैं ये चाहता हूँ कि बिगर ऑपरेशन के क्या ये चीज निकल सकती है? देखिए, आपकी जो इच्छा है वो बड़ी अच्छी इच्छा है कि आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, और ऑपरेशन नहीं कराने के लिए सबसे पहला जो हमारा जो काम है वो ये है कि रोग को समझना, हमारी भाषा में उस रोग को हम क्या कहेंगे, क्या कारण उसका है, क्या वजह है कि वहां पर वो गांठ बनी आपको, क्या अभी भी वो कारण शरीर में मौजूद है या शरीर से निकल गया है, क्या वो दवाइयों द्वारा गांठ गल सकती है नहीं गल सकती, इस तमाम प्रश्न जो है हमको सबसे पहले इनका उत्तर ढूंढ करके तब आपका जो है निर्णय लेना पड़ेगा कि वास्तव में आप ऑपरेशन पे जाएं या ना जाएं। और उसके लिए थोड़ा सा विस्तार से बात आपसे करनी पड़ेगी, कम से कम इसमें 20-25 मिनट का एक प्रॉपर कंसल्टेशन, जो कि हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल करते हैं। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार फोन करके अपना नंबर रजिस्टर करा देना है केवल। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये हुआ क्यों प्रॉब्लम और किस कारण से हुआ। जब समझ में आएगा उसके पश्चात ही उसका इलाज हम बता पाएंगे कि इलाज उसका होगा आयुर्वेद में, नहीं होगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा नहीं कराना पड़ेगा, ये तमाम चीजों का निर्णय तभी बता पाएंगे जब आपका रोग पूरा हमारे समझ में आ जाए, जिसका पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा। तो कृपा करके हमारे यहाँ इसी नंबर पे आप बाद में बात करिए आराम से, डॉक्टर से नंबर रजिस्टर करा के और पूरे रोग को समझाइए, फिर उसके पश्चात आपकी हम सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं मूड डिसऑर्डर से छुटकारा पाने के लिए आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए, क्या है आज की संजीवनी?
देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इसका कारण जो है ढूंढना बहुत जरूरी है। अक्सर जो है ऐसा मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है कि मस्तिष्क में कई प्रकार के केमिकल चेंजेस हो जाते हैं, या आपने देखा होगा कि आम तौर पर महिलाओं में जब मेनोपॉज का टाइम आता है या कुछ जो है मेंस्ट्रुएशन के साथ उसका कोई डिस्टरबेंस हो तो उनके मूड में चेंजेज आते हैं, तो ऐसी अवस्था में उनको शतावरी का प्रयोग करना चाहिए। शतावरी जो है आधा या एक चम्मच रोज खाएं, दूध के साथ लें या शहद के साथ लें। इसी प्रकार से मस्तिष्क को स्ट्रांग बनाने के लिए अश्वगंधा भी बहुत अच्छा काम करती है। आधा से एक चम्मच अश्वगंधा शहद में मिला करके हर रोज खाने से काफी लाभ मिलता है। कुछ खाने में भी चीजें बड़ी अच्छी हैं, खजूर है, किशमिश है, इसका सेवन अगर आप करें, बादाम उसका सेवन किया जाए, उससे आपके मूड में काफी रिलैक्स मिलता है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क को नरिश करती हैं चीजें, और जो केमिकल चेंजेस वहां पर हैं या किसी प्रकार का कोई डेफिशिएंसी है उसको ठीक करता है। बहुत अच्छी चीज है कि रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, नियमित रूप से आधा पौना घंटा सैर के लिए जाएं, थोड़ा सा प्राणायाम करें, थोड़े योगासन करें, हंसना बहुत जरूरी है, लाफिंग जो है, हंसने से आपका मूड भी चेंज होता है, आपके हॉर्मोन्स भी चेंज होते हैं, आपके जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं वो बॉडी में जो है वो एक अच्छा काम करते हैं, तो ये भी आपको करना चाहिए। साथ में आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा इसमें बहुत अच्छा लाभ करती है, शिरोधारा वगैरह हम करते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और फिर आपके मस्तिष्क को नरिश करने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं। तो अगर आपको मूड से संबंधित कोई समस्या हो, मूड डिसऑर्डर अगर आपको है, तो आप बिल्कुल आसानी से आयुर्वेदिक चिकित्सा में आइए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा इलाज आयुर्वेद में इसका है और बिल्कुल पक्का इलाज है। फरीदाबाद से दर्शक जुड़ गए हैं, राजीव स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, मेरी आजकल ये समस्या हो रही है कि आजकल मैं सुबह जब उठता हूँ सोकर के, तो मेरे नाक से जैसे जो हम सुबह ब्रश करने के बाद जो निकालते हैं बलगम, तो उसमें कुछ खून की छींटे आ रहे हैं, और शाम तक इतनी गर्म हवा की वजह से मेरी नाक की काफी जलन होती है जी। ये मेन देखिए, ये जो खून के छींटे आना और गर्मी महसूस होना, तो लक्षण तो गर्मी का ही है, पित्त का लक्षण है। जब भी कहीं से खून आता है शरीर में तो हम अक्सर पित्त की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है, तो पित्त को शांत करना है। पित्त को शांत करने के लिए थोड़ा सा एक तो शरीर में इंटरनली आपको कूलिंग चीजें लेनी चाहिए, बेल का शरबत है, सत्तू है, ठंडाई है, इसका सेवन करें। जरूरी नहीं है लोकली आपको कुछ वहां पर जरूरी है, पूरी बॉडी से ही जो है प्रभावित होता है, कोई ना कोई हिस्सा हमारा, जब शरीर के अंदर हीट बढ़ेगी तो किसी एक हिस्से में जाकर के रोग को वो वहां पर स्थापित कर देती है। दूसरा, नाक के अंदर अगर घर का मक्खन हो, थोड़ा सा ताजा सफेद वाला मक्खन जो होता है, वो थोड़ा उंगली पर लग के नाक के अंदर उसको चुपड़ लीजिए, उसको अंदर लगाइए, तो उससे आपको एक दो चीजें होंगी, एक तो वहां खुश्की नहीं होगी, दूसरा जो हीट है हीट भी कम होगी और आपका रोग ठीक होगा। लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग कभी हो जाए तो ताजा घास है उसमें से धो करके अच्छी तरह से थोड़ा रस निकाल के नाक में डालें, तो तुरंत आपकी ब्लीडिंग उससे बंद हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, जिन लोगों को मूड डिसऑर्डर की समस्या है, ऐसे लोगों को और उनके परिवार वालों को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अक्सर ऐसे लोगों को जो तकलीफ होती है, माइंड जो अचानक बड़ा डाउन हो जाता है, तो बड़े दुखी होते हैं वो, और उनको पता नहीं होता क्या करें, तो ऐसे में आवश्यक है कि आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से संपर्क करें। आयुर्वेदिक उपचार जैसा मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से इसका उपचार करें। दूसरा, घर वालों के लिए हिदायत है कि घर वाले भी कई बार दुखी हो जाते हैं कि एक व्यक्ति रोज कुछ ना कुछ नेगेटिव बात करता रहता है, वो क्या बोलता रहेगा कि जी मेरा जिंदगी खराब हो गई है, हालांकि नहीं, तो कई बार घर वाले चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो डांट देते हैं उसको, गुस्सा कर देते हैं, उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, उससे उसका मूड और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो घर वालों को ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति जान पूछ करके नहीं कर रहा है, उसको कुछ बीमारी है, उसको कुछ तकलीफ है, तो उसको थोड़ा सपोर्ट दिया जाए, थोड़ा प्यार दिया जाए, उसको किसी प्रकार से उसको आप प्रोत्साहित करें कि कोई घबराने की बात नहीं है, आप चिंता मत करिए, हम भी आपके साथ हैं, कोई आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, तो थोड़ा सहारा उसको मिल जाता है, माइंड उसका थोड़ा सा उससे पॉजिटिव हो जाता है, तो वो बहुत आवश्यक है। और घर वालों को ये निवेदन भी है कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति आपके घर में है तो उनका प्रॉपर उपचार कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या है आज के डॉक्टर टिप्स? देखिए, दही तो सभी लोग पसंद करते हैं, दही खाने में बड़ा टेस्टी भी होता है, लेकिन हम आयुर्वेद में एक चीज हमेशा बताते हैं आपको कि दही कभी रात को नहीं खाना चाहिए। रात को खाने से दही बड़ा हैवी हो जाता है, और ऐसा लिखा गया है कि ज्यादा हैवी होने से हमारे शरीर में भारीपन पैदा करता है, जोड़ों का दर्द भी पैदा करता है, आम बनाता है, तो रात को नहीं खाना चाहिए, दिन में खाएं आराम से, और उसके कई लाभ हैं वो भी आपको मालूम होने चाहिए। हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम की मात्रा इसमें होती है, हड्डियों को मजबूत करता है, तो जो लोग ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं उनको दही का सेवन करना चाहिए।
पेचिस अगर आपको है, कोलाइटिस हो जाती है, किसी प्रकार की आंतों की प्रॉब्लम है, उसमें दही में थोड़ा जीरा डाल करके भुना हुआ आप सेवन करें तो उससे बहुत फायदा होता है। इसी प्रकार से पाचन संस्थान, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर कमजोर है उसमें भी बहुत फायदा करता है, खास तौर पर जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हम कहते हैं, जिसको कि जो आंतों में हमारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें सहायक होते हैं भोजन को पचाने में, भोजन के जो है एब्जॉर्प्शन में, कई जो हमारे पाचन संस्थान के जो कार्य हैं उसको ठीक करने के लिए ये दही से वो गुड बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए धातु वर्धक है, ओज वर्धक है दही, उसका सेवन लेकिन उचित मात्रा में ही सेवन करें। ऐसा नहीं कि आपको बताया कि भी बहुत ताकतवर है तो केवल दही खाने लगे। हमारे यहाँ तो कल्प कराते हैं वैसे, लेकिन कल्प करने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन उचित मात्रा में जितना आप पचा सकें उतना ही सेवन आपको करना चाहिए। और दांतों की मजबूती के लिए भी दही बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम की वजह से आप अगर आपके दांत कमजोर हैं और दांतों को मजबूत आप बनाना चाहते हैं तो निरंतर आप दही का सेवन जरूर करें।